जहानाबाद में कोटपा के तहत शहर के लगभग एक दर्जन प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई और इसके उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों में चालान के रूप में हजारों रुपए वसूले गए। अचानक हुए इस कार्रवाई से गुटखा और सिगरेट बेचने वालों में हड़कंप मच गई। मौके पर जिला के ASP पंकज कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोटपा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय समय पर टीम बनाकर शहर में छापेमारी की जाती रहेगी। छापेमारी का उद्देश्य लोगों में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता लाना है। सरमांग लाइव के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। होम सेक्रेटरी के निर्देशानुसार DM और SP के आदेश के आलोक में जिला स्तरीय टीम, अनुमंडल स्तरीय टीम के द्वारा कोटपा अभियान के तहत जो खुले सिगरेट बेच रहे हैं, डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं या नाबालिग बच्चों से सिगरेट बेचवा रहे हैं, नाबालिग बच्चों को सिगरेट बेच रहे हैं, उसके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक एक दर्जन दुकान में छापामारी की गई है जिसमें लूज सिगरेट बेचते हुए लोग मिले हैं और डिस्प्ले भी नहीं हुआ है। इस संदर्भ में फाइन किया गया। कितने दुकानों पर फाइन हुई है? लगभग एक दर्जन से ज्यादा। गुटखा पे भी है कि सिर्फ सिगरेट पे? दोनों तरह के चीज पे हैं और डिस्प्ले करना अनिवार्य है। अभियान लगातार जारी है। अभियान जारी है।